डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। त्याग एवं प्राप्ति अनुपात, पिछले वीडियो में आपने देखा है कि त्याग एवं प्राप्ति अनुपात की गणना कैसे करते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझे। आज हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक प्रश्न में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हमको हल करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए, अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं। अ और ब जो है एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चित किया। त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? अ और ब एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि कितने अनुपात में बांटते हैं? 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। मतलब हमारा पुराना अनुपात क्या हो गया? 2:1। उन्होंने भविष्य के लाभों को समान अनुपात में बांटना निश्चय किया। मतलब भविष्य में, मतलब नया अनुपात क्या हो जाएगा? समान अनुपात, मतलब 1:1, मतलब बराबर बराबर बांटेंगे। मतलब कितना? 1:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो उसमें क्या बोल रहा है कि त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न कैसे बनेगा इसको देखिए। तो सबसे हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पुराना अनुपात, पुराना अनुपात क्या है? तो पुराना अनुपात मतलब ओल्ड रेशियो ए और बी का क्या हो जाएगा? 2:1। पुराना जो अनुपात था वो कितना था? 2:1। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2:1 को हम कैसे लिखते हैं? 2/3। ए का 2/3 और एक बी का कितना हो जाएगा? 1/3। कैसे इसको लिखते हैं? तो 2:1, 3। अब दो इसका लिखेंगे तो हम 2 को ऊपर में लिखेंगे, 3 कर देंगे। ठीक उसी प्रकार हम इसका लिखेंगे तो 1 के ऊपर में लिखेंगे और 2:1, 3। तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो 2/3 और 1/3, इसको आप पिछले मतलब कक्षाओं में आप पढ़े हैं 10वीं में कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ये अनुपात लिखने का हो गया। फिर दूसरा है यहाँ पर क्या? नया अनुपात, न्यू रेशियो। क्या बोल रहा है कि भविष्य में भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चित किया। मतलब समान मतलब बराबर बराबर बांटेंगे करके निश्चय कर लिए हैं। बराबर बराबर मतलब 1:1 में, समझिए कितना? 1:1 में, ये बराबर हो गया। 1:1 में बांटना निश्चय किए, मतलब ये बराबर बराबर हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1:2:1। ये 1 हो गया, यहाँ पे 1, 1, 2 है तो यहाँ पे 2। इसी प्रकार इसका भी 1:1, यहाँ पे 1 और 1, 1, 2, तो 1:2:1। ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? त्याग एवं नफे का अनुपात निकालेंगे। त्याग एवं नफे, नफे को क्या बोलते हैं? प्राप्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राप्ति। तो प्राप्ति अनुपात, त्याग और प्राप्ति का अनुपात निकालना है। तो हमको त्याग अब्लिक प्राप्ति लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? प्राप्ति। त्याग अब्लिक प्राप्ति अनुपात का फार्मूला होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात को हम बोलते हैं ओल्ड रेशियो। क्या बोलते हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? ये है ओल्ड रेशियो। यहाँ पर देखिए, ये है ओल्ड रेशियो 2:1। ठीक है, इसको 2/3 लिखे हैं तो इसी से हमको लेना है 2/3। यहाँ पर देखते जाइए थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर ए का हम निकालेंगे, दो जने हैं, दो लोग हैं यहाँ पे, एक और दो, दो साझेदार हैं। तो हम ए का निकाल लेते हैं पहले। ए का जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एक मिनट रुकिए, एक और पेन है। हाँ, ए का जब हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2/3। ए का कितना है? यहाँ पर देखिए, पुराना अनुपात हम माइनस नया अनुपात करते हैं तो पुराना अनुपात है 2/3। यहाँ पर लिख दिए हम 2/3। माइनस क्या कर देंगे? नया अनुपात, नया अनुपात कितना है? 1/2। ए का कितना है? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 कर दिए। तो 2/3 माइनस 1/2। ठीक है, तो बराबर कर देंगे और क्या हो जाएगा? अब ये 3 और 2 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं? 2 और 3 इस प्रकार से कर लेते हैं और यहाँ पे 2 1 कम और ये 3 का 3 हो जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो 3 1 कम 3, ये इसमें 1 1 हो गया। तो अब इसको कटाने का जरूरत नहीं, अब इसका गुणा कर दीजिए। तो 3 2 6, तो कितना आ गया? 6। और यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया? 6। ठीक है, तो इसका हम लघुत्तम समापवर्तक ले लिए 6। अब 3 से भाग देंगे 6 को, तो 3 1 कम 3 2 कितना में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है।
तो तीन दोने और जो दो आया, इस दो का गुणा हम किससे कर देंगे, ऊपर वाले से कर देंगे, तो दो दोने चार यहाँ पे, ठीक। तीन दोने और दो जो भाग संख्या था उसको क्या कर दिए हम, ऊपर से गुणा कर दिए, तो दो दोने मतलब ऊपर से गुणा किससे, तो ये इसका इससे भाग दिए तो दो आया, और दो का गुणा इससे कर दिए तो चार आ गया। उसी प्रकार इसका भाग देंगे इससे छः से, तो दो तिया और तीन आया, उसको ऊपर से गुणा कर दिए तो एक, तीन एक कम तीन, तो चार माइनस तीन है ना, चार को माइनस करेंगे किससे, तीन से, तो बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे छः। यही क्या है, ये प्लस में आ रहा है। आप देखिए हम फार्मूला में पढ़े हैं कि प्लस में अगर आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसे त्याग अनुपात मानेंगे। ये प्लस में है मतलब इसमें माइनस नहीं आ रहा है, इसलिए ये त्याग अनुपात हो गया। और बी का देखिए एक बटे तीन, यहाँ पर से एक बटे तीन ले लिए, ओल्ड रेशियो एक बटे तीन है, एक बटे तीन ले लिए, न्यू रेशियो एक बटे दो है, माइनस एक बटे दो कर दिए, बराबर ये भी वैसे होगा तीन दो छः, इसमें से दोनों का लघुत्तम समानुपातक लेंगे तो छः आया। अब इसका तीन दोने दो एक कम, दो तिया और तीन एक कम, तो दो माइनस तीन बराबर कितना आ गया, दो में से तीन को घटाएंगे तो माइनस एक आएगा, माइनस एक बटे छः, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस में इसलिए प्राप्ति है, याद रखिएगा माइनस में जब भी आएगा आंसर तो प्राप्ति होगा, और प्लस में आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है मतलब प्लस है ये, तो ये क्या होगा, त्याग अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ए बराबर एक बटे छः भाग त्याग अनुपात, और बी एक बटे छः भाग प्राप्ति अनुपात होगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से दिया हुआ है। आयुष व आस्था एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटना निश्चित किया। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए या निकालिए, ठीक है। तो आस्था, आयुष और आस्था हैं, पहले कैसे बांटते थे, तो एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते, पहले बराबर बराबर मतलब 1:1 के रूप में बांटते थे, लेकिन अब नए में क्या कर रहे हैं, वो नया अनुपात हो जाएगा उनका 4:3। अब इस प्रश्न को हल करते हैं, कुछ नहीं है इसमें भी, उसी प्रकार से सेम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आए थे। इसमें देखिए दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि आयुष और आस्था हैं एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। पहले क्या करते हैं, समान अनुपात में मतलब 1:1 के अनुपात में बांटते हैं, लेकिन हाँ मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1:2:1:2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात लिखा है 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने लाभ को 4:3 के अनुपात में बांटना निश्चित किया, तो 4:3 के अनुपात में बांटना निश्चित किया, तो 4:3 लिख दिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भिन्नक रूप में, 4/7, 4/ क्या हो जाएगा, 7, उसी प्रकार 3/7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एक एक का क्या बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं लाभ या त्याग अब्लिक प्राप्ति, प्राप्ति अनुपात, ठीक है, त्याग प्राप्ति अनुपात। तो यहाँ पर देखिए आयुष बराबर 1/2, यहाँ पर है 1/2, यहाँ से देखिए 1/2 है ना, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है त्याग प्राप्ति, तो पुराना अनुपात 1/2 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4/7, ठीक है, तो बराबर कर दिए। अब यहाँ पर हम 7 और 2 का अगर लघुत्तम समानुपातक ले निकालते हैं तो हो जाता है वो 14, ठीक है, कितना आएगा, 14, तो 2 का 14 से भाग देंगे तो 2 7 और 7 एकम, ठीक, इसी प्रकार 7 हो गया ना, और फिर 7 का को 14 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 दोने और 2 आया, 2 का 4 से गुणा कर देंगे तो 2 चौक 8, तो 7 - 8 बराबर क्या हो जाएगा, -1/14, ठीक है। उसी प्रकार आस्था का निकाल लिए, 1/2 - 3/7, यहाँ पर भी लघुत्तम समानुपातक 14 आएगा बटे यहाँ पे 2 7 और 7 एकम और 7 2 2 3 6, ठीक है, बराबर 1/14, तो ये त्याग अनुपात हो गया, 1/14 है मतलब ये माइनस नहीं है तो ये त्याग होगा, और ये माइनस है मतलब ये प्राप्ति अनुपात। आपको हमेशा याद रखना है कि जब इस प्रकार के त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालते हैं तो अगर भिन्न जो है माइनस में दिखाता है तो आप समझ जाना कि वो प्राप्ति अनुपात है, और अगर प्लस में दिखा रहा है यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है तो वो त्याग अनुपात है, क्लियर हो गया। अतः आयुष 1/14 प्राप्ति अनुपात एवं आस्था 1/14 त्याग अनुपात होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार का है। एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को 2:1 के अनुपात में लाभ बांटना निश्चित किया। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात निकालें। देखिए पहले जो अनुपात था वो कितना था, 3:2:1 का। नया अनुपात हो गया 2:2:1 का, ठीक है। तो पुराना अनुपात बराबर हो जाएगा 3:2:1 और नया अनुपात बराबर होगा 2:2:1, ठीक। अब प्रश्न को हम हल करते हैं। त्याग और प्राप्ति अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो तीसरा का क्वेश्चन का देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर और बर्षा है, तीन लोग हैं, पुराना अनुपात 1:1:1। तीसरा क्वेश्चन, अरे सॉरी, हम लोग चौथा क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं पहले, फिर तीसरा क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। चौथा क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड में 3:2:1 पुराना अनुपात हो गया, ओल्ड रेशियो 3:2:1। फिर नया इसको हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं, तो इसको इस टाइप से भिन्न में लिख सकते हैं, 3:6:2:6:1:6। अब इसका दूसरा न्यू रेशियो क्या है, 2:2:1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2:5:2:5 और 1:5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम त्याग या प्राप्ति अनुपात निकालेंगे, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो एक सका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, तो एक सका ओल्ड रेशियो क्या है, 3:6। एक सका 3:6, तो 3:6 माइनस और न्यू रेशियो हो गए, यहाँ पर न्यू रेशियो है 2:5, तो 2:5 बराबर 6 और 5 का लघुत्तम समान प्रतिशत कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, 6 और 5, वैसे भी यहाँ पे कोई भाग जाने वाला नहीं है, इसलिए 6×5=30 डायरेक्ट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे 6×5=15, और 5×6=30, तो 6 आ रहा है, तो 6×2=12, तो 15 − 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3×3=30। ये तो क्या हो गया, त्याग हो गया, क्योंकि ये प्लस में इसलिए त्याग हो गया। अब माइनस में देखिए, माइनस में कौन कौन सा आ रहा है, वाई का निकालेंगे, तो हम पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, पुराना अनुपात है 2:6, तो 2:6 यहाँ पे लिख दिए, और नया अनुपात क्या है, देखिए नया अनुपात है यहाँ पर 2:5, तो 2:5। अब इस दोनों का लघुत्तम समान प्रतिशत भी 30 होगा। अब 6×5=10, और 5×6=12, तो 10 − 12 बराबर क्या हो, −2/30। मतलब ये क्या है, प्राप्ति अनुपात हो गया, क्योंकि ये माइनस में इसलिए प्राप्ति अनुपात हो गया। फिर है जेड का ओल्ड रेशियो 1:6, यहाँ पर 1/6, तो 1/6 माइनस न्यू रेशियो 1/5 है, तो यहाँ पर कर दिए 1/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 − 6/30, मतलब 6×5=30 तो है, और 6×5=1 और 5×6=1, ठीक है। तो ये 5 − 6 हो गया बराबर 1/30 माइनस 1/30, ये क्या है, प्राप्ति अनुपात है, ठीक है। क्योंकि माइनस में आया तो 2 प्राप्ति और 1 त्याग अनुपात है। देखिए और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जितना त्याग होता है उतना प्राप्ति होता है, ठीक है। त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात, तो त्याग कितना क्या है, 3/30 है, तो प्राप्ति कितना होगा, ये देखिए 2 और 1 3 3/30 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इस प्रकार से त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात दोनों बराबर होता है। प्रश्न में जैसे भी आंसर आएगा वो इसी प्रकार से ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन का आंसर। आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रकार से ये बनेगा। चलिए आगे बढ़ें, अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न को हमने छोड़ दिया था। अब ऐसा एक फर्म में क्या है, साझेदार है। देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, अब ऐसा एक फर्म में बराबर के साझेदार है। कितने किसके साझेदार है, बराबर मतलब 1:1:1 के अनुपात में सब बांटते हैं, 1:1:1 के अनुपात में बांटते हैं। यह तय हुआ कि अ ने भविष्य में 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे। मतलब पुराना अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1 बराबर, मतलब बोल रहा है मतलब तीनों को 1:1 मिल रहा है, समझिए। और नया अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, 3:2:1 हो जाएगा। अब हमको पुराना अनुपात और नया अनुपात मिल गया, तो हमको क्या निकालना है, त्याग अनुपात और क्या बोलते हैं, प्राप्ति अनुपात, लाभ हानि अनुपात की गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पुराना अनुपात हमारा दिया है 1:1:1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3, 1/3 और 1/3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नया अनुपात क्या हो जाएगा, ये नया अनुपात है 3:2:1, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3×3=5, 6×6 उसी प्रकार 2/6 और 1/6, इस प्रकार से लिख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लाभ एवं प्राप्ति अनुपात की गणना, लाभ एवं प्राप्ति अनुपात की गणना बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो क्या है, ये है ऊपर वाला है पुराना अनुपात, और न्यू रेशियो ये है, ठीक। तो एक बटे तीन, एक बटे तीन माइनस तीन बटे छः, अ का ब का हो जाएगा एक बटे तीन माइनस दो बटे छः, और स का हो जाएगा एक बटे तीन माइनस एक बटे छः। अब इस तीनों को हम क्या कर दिए, लघुत्तम समापवर्तक, जैसे पिछले प्रश्नों को सॉल्व किया उसी प्रकार तीन और छः का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। जैसे तीन और छः का यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा तीन, एक तो तीन एक कम, और तीन दोने, अब ये भी कैसे जाएगा, दो से जाएगा, एक का तो एक ही रहेगा, तो तीन दोने छः, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है, छः आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिया, छः लिया, ठीक। अब तीन का भाग देंगे छः से, छः को तीन से भाग देंगे, तो तीन दोने और दो एक कम, ठीक, तीन दोने और दो एक कम, इससे गुणा कर दिए, तो दो एक कम दो, और छः का छः से भाग देंगे तो छः एक कम एक तिया तीन, ठीक। तो यहाँ पे तीन लिख दिए, बराबर क्या हो गया, माइनस दो में से तीन गया और ये माइनस में है तीन, इसलिए बड़ा है, इसलिए एक बटे छः आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्राप्ति अनुपात माइनस में, इसलिए प्राप्ति अनुपात। ब का भी ठीक उसी प्रकार से किए, तीन दोने और दो एक कम दो, और छः का छः कब एक दोने दो, मतलब दो माइनस दो बराबर जीरो बटे छः आ गए, नील है। इसमें किसी प्रकार ना तो प्राप्ति हो रहा है ना त्याग हो रहा है, ठीक। उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, नील शून्य, ठीक। अब स है एक बटे तीन माइनस एक बटे छः, अब इसको निकालेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, दो बटे एक बराबर एक बटे छः आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे छः, ये प्लस में है, यहाँ पे किसी प्रकार माइनस वाइनस नहीं है, इसलिए यहाँ पर त्याग अनुपात होगा। ये क्या होगा, त्याग अनुपात, जब भी प्रश्न में भिन्न अगर प्लस में दिया है तो त्याग अनुपात होगा, और अगर माइनस में दिया है तो प्राप्ति अनुपात होगा। इस चीज़ को आपको हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अतः अ बराबर माइनस एक बटे छः प्राप्ति, ब का नील शून्य है, और स का एक बटे छः त्याग है, ठीक। इस प्रकार से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में क्या दिया है देख लीजिए, अब इसको भी बना देते हैं। आप भी अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आप भी अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। हर क्वेश्चन को भी बताएंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से भी कुछ कुछ चीज़ों को हर सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोहन सोहन और रोहन एक फर्म में साझेदार हैं, मोहन सोहन और रोहन एक फर्म में साझेदार हैं, जो लाभ हानि को क्रमशः दो अनुपात एक अनुपात में बांटते हैं। मतलब पुराना अनुपात हमारा है दो दो और एक, और 1 अप्रैल 2018 से समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निश्चय। समान अनुपात मतलब एक अनुपात एक के अनुपात में बांटेंगे करके बोल रहे हैं। तो नया अनुपात हमारा हो जाएगा एक अनुपात एक। साझेदारों द्वारा त्याग और प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। सेम बनेगा उसी प्रकार से जैसे हमने बनाया है, देख लीजिए। तो ये हो गया मोहन सोहन और राम, पुराना अनुपात दो अनुपात एक, इस नया अनुपात हो जाएगा एक अनुपात एक। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2/5, क्योंकि 2 2 4 1 5 है, तो 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक। इसको भी 1 2 3 है, तो 1/3 1/3 और 1/3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्याग प्राप्ति अनुपात अगर निकालना है तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है, तो मोहन का पहले निकाल लेते हैं। तो मोहन बराबर हो जाए मोहन का पुराना अनुपात क्या है, 2/5 है, 2/5 माइनस कर देंगे 1/3 इसका नीचे वाला देख लीजिए, ठीक। बराबर आप लघुत्तम 5 और 3 कर लेंगे तो 15 आएगा। अब 5 को 15 से भाग देंगे, मतलब 15 को 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 3 और 3 2 6, तो 6 लिख दिए, 3 5 6 और 5 1 5, ठीक। 6 - 5 मतलब कितना आ गया, 1/15 आ गया। ये त्याग है क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, इसलिए सोहन को देखो 2/5 - 1/3 बराबर क्या हो गया, इसको हम जब इसी प्रकार से करेंगे तो 6 - 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1/15, तो ये भी क्या है, ये प्लस में, इसलिए ये त्याग हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए राम का 1/5 - 1/3, यहाँ पर भी लघुत्तम समापवर्तक तो 15 आएगा। अब 5 का 15 को भाग देंगे 5 से, तो 5 3 और 3 1 कम, और इसी प्रकार 3 5 6 5 1 कम, तो 3 - 5 बराबर कितना हो गया, बराबर माइनस में है, 5 बड़ा है, इसलिए -2 होगा 15। तो ये क्या है, माइनस में आ गया, इसलिए प्राप्ति है। अतः मोहन 1/15 त्याग, सोहन 1/15 त्याग, और राम 2/15 प्राप्ति अनुपात होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है।
आशा करता हूँ कि आपको सारी जो क्वेश्चन है, सारा जो क्वेश्चन है उस समझ में आया होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सारा चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दो बार रिवीजन करके देखिए, दो बार एक दो बार और देखेंगे वीडियो को, तो आपको पूरा पूरा हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आता हूँ तो आपको तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुँचेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।